दिल्ली बाईपास के भालोट सब ब्रांच नहर में दोपहर को एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। कार में दो युवक सवार थे जिन्हें दो लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया और उसके बाद क्रेन को बुलाकर गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। हालांकि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और युवकों से पूछताछ की। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत नवदीप बिस्ला ने बताया कि वो अपनी स्कूटी पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। वो अपनी स्कूटी को लेकर सीधे वहां पर पहुंचे और नहर के पास रह रहे मछुआरों को भी बुलाया। कार में सवार दो युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टर नवदीप ने कहा कि पुलिस को इस मामले की सूचना दी और तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। राहत की बात यह रही कि लोगों की सूझबूझ के चलते दो युवकों की जान बच गई और कुछ देर बाद ही क्रेन को मौके पर बुलाकर गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। सबसे पहले कंट्रोल 112 से सूचना मिली कि इस तरह ना दिल्ली बाईपास नहर में कोई गाड़ी गिर गई है। हम 5 मिनट में ये 112 भी पहुंच गई थी और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। यहाँ देखा कि गाड़ी के अंदर दो बच्चे थे। सबसे पहले आमजन की सहायता से उनको निकाला गया। वे बिल्कुल ठीक है, उनसे पूछा गया कि भाई इसमें और भी कोई लड़का है या और कोई बच्चा है। उन्होंने कहा नहीं, तो उनसे पूछा भाई ये कि कैसे हुआ है। भाई हमें अपनी गाड़ी को यहाँ धुलाने के लिए आए थे। भाई हमारे पेशेंट हैं, मरीज हैं, वो जो PGI में एडमिट है, हम इधर आते हुए गाड़ी को धो लें। बस चलते चलते है ना गाड़ी इनबैलेंस हो गई और इसमें गिर गई नहर में। तो हम 5 मिनट में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आमजन की सहायता से है ना इनको बचा लिया। गाड़ी भी ठीक है और वे बच्चे भी ठीक है। वहीं मौके पर पहुंचे IMT थाना के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल नीकू ने बताया कि समय रहते पहुंचकर कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। ये दुबलधन के रहने वाले बताए गए हैं। उन्होंने बताया है कि कार धोने के लिए पटरी पर गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ।